कैसे हो? थके तो नहीं पढ़ पढ़ के इतना? तो संगम में जब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, 2-4 मिनट तो वेट करनी पड़ेगी, तब तक लोग कनेक्ट करेंगे। तो किसी को यहाँ तो कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो मेरे को एक दो बच्चों के मैसेज आए हैं, मैं उनको रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है? गुड इवनिंग एवरीवन। किसी को कुछ पूछना है बताओ, नहीं तो फिर पूरे 1 मिनट के बाद मैं ये स्टार्ट कर दूंगा लेक्चर। टाइम तो हो ही गया, तो फिर अब शुरू करते हैं। संगम एज के लिए टॉपिक है हमारा जो आज का। ओ नयन अहिर, साहिल वो कल का लेक्चर होगा। रादर थोड़ा ना इसके साथ साथ मैं आपको, साहिल तुमने तो मेरा वीडियो देखा होगा वो, जिसमें मैं बता रहा हूँ कि हम कुछ टॉपिक्स कराएंगे जो स्टैटिक और करंट को मिक्स करके होंगे। तो उसका जो मेरा लेक्चर आएगा ना परसों, वो देखना। देन यू विल बी सीरियसली, आई एम सेइंग दिस एंड आई कैन क्लेम दिस, यू विल बी इलेटेड टू सी इट कि यार बड़ा सा सर ने एक नया ही आइडिया दिया है और इससे बढ़िया से तैयार हो गया। और आराध्या गुप्ता बेटा, तुम्हें कहा किसने कि डेट्स याद करो? डेट्स पे तो क्वेश्चन ही नहीं आते हैं, तो क्यों अपनी टाइम एनर्जी वेस्ट कर रही हो, है ना आराध्या? देखें कभी डेट के ऊपर क्वेश्चन आए हुए कहीं पर भी? मैंने तो देखे ही नहीं। और अगर कोई आया तो मुझको फोटो खींच के व्हाट्सएप करना, नंबर फिर से दोबारा दे रहा हूँ, दिखाना मुझे डेट पे कौन सा क्वेश्चन आया आराध्या गुप्ता। और अगर इसके बाद कोई और डाउट्स हैं तो आप क्लास के बाद पूछना या व्हाट्सएप करना। तो संगम एज स्टार्ट कर रहे हैं। संगम एज है क्या? साउथ इंडिया की हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो नॉर्थ इंडिया में जब पोस्ट मौर्य और प्री गुप्ता एज चल रही है, नॉर्थ इंडिया में पोस्ट मौर्य प्री गुप्ता एज चल रही है, तो साउथ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम बोलते हैं कि संगम एज का टाइम है। संगम एज का जो टाइम है इसकी इंफॉर्मेशन हमें संगम लिटरेचर से मिलती है। गजानंद रायगर, तो गजानंद जी मैं आरआरबी की एग्जाम के लिए तो पढ़ा ही नहीं रहा हूं, आती हैं तो आती होंगी, मैं तो पढ़ा ही नहीं रहा उस एग्जाम के लिए। आई होप इट इज लाउड एंड क्लियर। जो मैं पढ़ा रहा हूं मैं उसके हिसाब से पढ़ा रहा हूं, जिसको समझा रहा हूं उसके हिसाब से समझा रहा हूं। उमेश वो मैं अब कराता हूं, वो भी कराऊंगा भाई। अभी मैं आज संगम में शुरू कर रहा हूं, ये पढ़ लो। ठीक है? नोट सबके मिल रहे हैं तो वो बाद में उसमें से पढ़ा दूंगा, पुष्यमित्र शुंग वाला। अच्छा चलो अब शुरू करें, लेट्स नॉट वेस्ट मोर टाइम। तो संगम एज के लिए ना तीन रॉयल असेंबलीज हुई थी, जिन्हें इट इज सो बिलीव्ड कि जो पांड्या रूलर्स थे साउथ के उन्होंने पैटर्नाइज किया था। यार ये ना अमन अलीशा ये सारे लोग अब चुप हो जाओ, क्लास खत्म होगी, मैंने नंबर दे दिया, फिर से दे रहा हूं, टेक्स्ट करना। तुम्हारे ये डाउट्स जो हैं ये पर्सनल डाउट्स होते हैं, ये ग्रुप डाउट्स नहीं होते हैं, इनको पर्सनली मेरे से डिस्कस कर लेना, फॉर गॉड से कम मुझे पढ़ाने दो। तो इट इज बिलीव्ड कि पांड्याओं ने किया था, तीन असेंबलीज हुई हैं, तीन संगम हुए हैं। फर्स्ट असेंबली का जो लिटरेचर है वो ज़्यादा नहीं मिला, सेकंड से तोलिका पियर की लिखी हुई बुक तोलिका पियम मिली है, जो ग्रामर है तमिल की, वो ओल्डेस्ट ग्रामर, और इससे हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है। और फिर थर्ड संगम से हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट मिले, जिसके बेसिस पे हम साउथ इंडिया की पूरी सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिलीजियस लाइफ को अंडरस्टैंड करते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं संगम एज। संगम एज में डायरेक्टली जाने से पहले हम थोड़ा साउथ इंडिया के अर्ली टाइम्स टू मेगालिथिक कल्चर्स के बारे में बात करते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। पहली बात, टिल अबाउट सेकेंड सेंचुरी बी सी ई
देयर वर लिटल एविडेंसिस टू द बिगनिंग ऑफ रूरल कम्युनिटीज साउथ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में द राइटिंग टूल्स वर नॉट प्रिवेलेंट अंटिल दिस पीरियड द रीजन वॉज ऑक्यूपाइड बाई पीपल कॉल्ड एज मेगालिथ बिल्डर्स दे वर नॉट रिकोगनाइज विद देयर सेटलमेंट्स बट फ्रॉम देयर ग्रेव्स कॉल्ड मेगालिथ्स मेगा मीन्स बड़ा लिथ मीन्स पत्थर विच वर एनसर्कल्ड बाय बिग पीसीज ऑफ स्टोन्स जो सेंटर में फोटो लगी हुई है दीज आर मेगालिथ्स मेगालिथ्स इंक्लूड डिफरेंट काइंड ऑफ मोन्यूमेंट्स दैट हैव वन थिंग इन कॉमन दे आर मेड ऑफ लार्ज रफली ड्रेस स्लैब्स ऑफ स्टोन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट मेगालिथ्स occur in far south Deccan Plateau, Vindhyan Aravalli ranges and northwest. The three basic type of megaliths are the chamber tombs, unchambered tomb and megaliths not connected with burials. Various types of megalithic monuments found are menhirs, freestanding stones, seedhe khade hain stones, dolmens, stone tables or corridors, cromlechs, arched stone structures and alignment stone rows, alleys and stone circles. तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मेगालिथ्स हैं मेगालिथिक कल्चर साउथ इंडिया में एंशियंट टाइम पर है स्टोन एज कल्चर्स के साथ हैं उसके थोड़ा आगे पीछे का टाइम है ये और यहाँ पर जो जो हैं लोगों के बिलीफ इन लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में भी हमें फैक्ट्स पता चलते हैं द ग्रेव कंसिस्टेड स्केलेटन्स ऑफ पीपल विद गुड्स पॉटरी एंड आयरन ऑब्जेक्ट्स So that means they believe that after life में उन लोगों को ये सामान चाहिए होगा The materialistic things excavated in graves give an idea of their sources of livelihood and their society किस तरह के उनके belief हैं किस तरह के occupations हैं The exercise of burying goods in grave with the dead bodies showed that they may believe in next world or life after death Tridents which later came to be correlated with Shiva have also been found in megaliths That means यहाँ पर भी Perhaps proto Shiva जैसे गॉड की वर्शिप होती थी However, the hunting and fighting tools exceeded the agricultural tools which manifested that these people depended more on hunting and gathering than agriculture for their sustenance. और रशीद इकबाल भाई enjoy कर लाइफ को क्यों पंगे ले रहा है अभी से IAS के प्लस टू के बाद शुरू करते होते हैं इससे पहले टाइम वेस्ट होता है इतनी जिंदगी पड़ी है अभी बेटा अभी टेंथ में हो लाइफ को थोड़ा एंजॉय करो प्लस टू के बाद सोचना ऑलराइट अगला द मेगालिथ्स वर फाउंड इन ऑल ओवर द पेनिनसुला बट देयर कंसंट्रेशन अपीयर टू बी मोर इन तमिलनाडु एंड ईस्टर्न आंध्र प्रदेश रीजन द डॉन ऑफ मेगालिथिक कल्चर कैन बी ट्रेस टू अराउंड 1000 BC बट एट मेनी प्लेसेस दिस कल्चर एग्जिस्टेड फ्रॉम अबाउट 5th century BC टू 1st century BC द थ्री साउथ इंडियन चीफडम्स अब मैं किंगडम की जगह चीफडम वर्ड यूज कर रहा हूँ चीफडम्स चोला पांडे एंड चीरास केरला पुत्रा प्रोबेबली बिलोंग टू लेट मेगालिथिक कल्चर जो मेगालिथिक पीपल ऑफ पेनिनसुलर इंडिया स्पेशली ऑफ तमिलनाडु हैड सम पेक्युलियर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज बरिंग स्केलेटन्स ऑफ डेड इन अर्न्स मेड ऑफ रेड पॉटरी ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना स्केलेटन्स को बरी करते थे अर्न्स में जार में जो रेड पॉटरी में होते थे In numerous cases, these urns were not enclosed by the stones. इनको ऐसे ही दफनाया गया है. The practice of Tamil region was different from the cist burial or pit burial enclosed by stones of Krishna Godavari Valley. वहाँ पर आसपास stones लगाए जाते थे. By the conclusion of 3rd century BCE, the megalithic people had proceeded towards the fertile river basins of South India. फिर इन लोगों ने जाके वहाँ पे strongly agriculture start किया. The contact among the people of South India and North India increased through conquests, या तो लड़ाई झगड़े जो हुए वो trade and through missionaries of Buddhism, Jainism and Brahmanism. From 4th century, the social and cultural contacts between North and South called as Tamizakam became exceedingly important. और एक trade route था जिसको बोलते थे दक्षिण पथ was valued by northern people as South India exports pearls, gold and precious stones. The Greeks also had established direct trade links with these areas and imported the commodities like spices and pearls from South India, right? The extension of iron technology promoted clearing of forests and initiated plow activity, plow cultivation, which gradually leads to the development of South Indian kingdoms in the forms of Pandya, Cholas in Tamil Nadu and Cheras in Kerala. So, is tarah megalithic se lekar dheere dheere north-south ke contact aate hue वहां पर तीन चीफडम्स की इमर्जेंस हुई चीरा चोला एंड पांड्यास की अर्ली साउथ इंडियन किंगडम्स और संगम एरा
अब इसके लिए द प्रिसाइज मीनिंग ऑफ द वर्ड संगम इज कॉन्फ्लुएंस। मीना मलिक जी, मैंने बोला प्लस टू के बाद इमीडिएटली तैयारी स्टार्ट होती है, फर्स्ट ईयर इज ऑलवेज द राइट टाइम टू स्टार्ट। आप ऑलरेडी थोड़ा लेट तैयारी कर रहे हो। द प्रिसाइज मीनिंग ऑफ वर्ड संगम इज कॉन्फ्लुएंस। However, in the background of ancient history of South India, this can be defined as an academy or assembly of learned people held under the assistance of South Indian kings who were great patron and lovers of literature and fine arts. तो basically तो ये संगम का मतलब होता है कॉन्फ्लुएंस, सबका इकट्ठा हो जाना। लेकिन साउथ इंडिया के इस टाइम के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है कि जो वहाँ के लिटरेरी जो ल्यूमिनरीज थे उनका एक साथ बैठकर लिटरेचर को कंपोज करना अंडर रॉयल पैटर्नेज। अकॉर्डिंग टू तमिल लेजेंड्स देयर वर थ्री संगम्स इन एंशियंट तमिल रीजन पॉपुलरली नोन एज मुचंगम। दी संगम्स प्रॉस्पर अंडर द रॉयल पैटर्नेज ऑफ पांड्यास। जो पहला संगम है वो मदुरई में हुआ, पांड्याओं ने कराया। यहाँ पर बिलीव किया जाता है गॉड्स एंड लेजेंडरी सेजेस आए थे। यहाँ के लिटरेरी वर्क जो हैं वो अवेलेबल नहीं है। सेकेंड संगम कपाटपुरम में हुआ, ये भी पांड्यास ने कराया। यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ पोएट्स आए और ऑल द लिटरेरी वर्क्स हैड पेरिश्ड एक्सेप्ट तौलिका पीआर ने जो लिखी थी। और फिर ड्यूरिंग द संगम एरा द तमिल स्टेट वॉज रूल्ड बाई थ्री डायनेस्टीज नेमली चीरा चोला पांड्यास। पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ दीज किंगडम्स फाइंड फ्रॉम द लिटरेरी सोर्सेज। तो उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। यहाँ एरिया देख लो, चीरास टूवर्ड्स केरला, आई एम सो सॉरी आई फॉरगॉट दैट आई हैव अ टच स्क्रीन, चीरास टूवर्ड्स केरला, पांड्यास टूवर्ड्स द वेरी डीप साउथ तमिलनाडु में, और चोलास टूवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। राइट, तो चीरा चोला पांड्या, इसको इस तरह आप याद रखोगे। सबसे पहले चोलास की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। मीना मलिक, इसके बारे में बेटा मैंने 2 दिन पहले एक बहुत इलैबोरेट डिस्कशन कर दी हुई है, आप वो देखना, नहीं तो मैंने अपना नंबर 500 बार दे दिया हुआ है बेटा। मुझे पर्सनल टेक्स्ट करना, रनिंग क्लास में पर्सनल डाउट्स नहीं लेता मैं। रनिंग क्लास में मैथ्स 40 बच्चों को एक साथ पढ़ा रहा हूँ, आपका अपना इंडिविजुअल डाउट है वो आप मुझे इंडिविजुअली पूछ लो। द चोला किंगडम विच केम टू बी नोन एज चोला मंडलम कोरोमंडल स्ट्रेच फ्रॉम सदर्न आंध्र प्रदेश टू मॉडर्न त्रिचुपली और त्रिची डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। ये तो गया रीजन। इट वॉज लोकेटेड टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ पांड्या किंगडम इन द मिडल ऑफ पेन्नार एंड विल्लार रिवर्स। देयर कैपिटल वॉज फर्स्ट सिचुएटेड एट उरियार, अ प्लेस पॉपुलर फॉर कॉटन ट्रेड। एलारा अ चोला ऑफ सेकेंड सेंचुरी बी सी किंग अनेक श्रीलंका एंड रूल द आइलैंड नेशन फॉर अराउंड 50 ईयर्स। इन द सेकेंड सेंचुरी ए डी अ फेमस चोला किंग करिकल इस्टेब्लिश पुहार एंड बिल्ट एन एम्बैकमेंट ऑफ 160 किलोमीटर अलॉन्ग द रिवर कावेरी। पुहार इज सिमिलर विद कावेरी पट्टनम विच वॉज द चोला कैपिटल। इट वॉज अ सिग्निफिकेंट सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स और यहाँ का कॉटन ट्रेड मेन सोर्स ऑफ वेल्थ फॉर चोलास था। अब करिकल चोलम ग्रेट मोनार्क्स ऑफ अर्ली चोलास, इनके बारे में थोड़ी डिस्कशन कर लें। दे ऑल्सो मेंटेन्ड एन एफिशिएंट नेवी, इनकी नेवी इतनी एफिशिएंट थी कि बे ऑफ बंगाल को चोला लेक का नाम मिलता था उस टाइम पे। करिकलास अर्ली लाइफ एंड हिज मिलिट्री कंक्वेस्ट हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन पत्निया पल्लई अ तमिल पोएटिक वर्क। अब ना ये डायरेक्ट प्री में क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है कि करिकल की अर्ली लाइफ या उसके मिलिट्री कंक्वेस्ट जो है वो कौन सी बुक में दिए हुए हैं। ही ओवरथ्रू अ कंबाइंड आर्मी ऑफ चीरास पांड्यास एंड 11 माइनर किंगडम्स इन द बैटल ऑफ वेनी। फिर प्री में ये क्वेश्चन आ सकता है कि वेनी की लड़ाई में चोलाओं को कौन लीड करता है या वेनी की लड़ाई में चोलाओं ने किनको हराया। इन द बैटल ऑफ वहमे प्रदनई 9 एनिमी चीफटेन्स बोर्ड बिफोर हिम ड्यूरिंग हिज रूल। ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लरिश एंड कावेरीपट्टनम एंड पुहार वर टू इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ ट्रेड। आफ्टर द एग्जिट ऑफ करिकला द चोला पावर डिमिनिश एंड द किंगडम डिक्लाइंड रैपिडली। द कैपिटल कावेरीपट्टनम वॉज डिमोलिश्ड एंड देयर टू नेबर्स द चीरास एंड पांड्यास फ्लरिश्ड एट द कोस्ट ऑफ चोलास। द लिटिल रिमेन्ड चोला किंगडम वॉज वाइप्ड ऑफ बाय द पल्लवास। तो आपको प्री में ये भी पूछा जा सकता है कि चीरा चोला पांड्याओं की लड़ाई में फाइनली आकर पल्लवाओं ने चोलाओं को
पूरी तरह से डिफीट किया। बेटा जो डॉल्बी जितने चाहिए होंगे वो आज मैं करवाने लगा हूं आपको। हैंस फोर्थ फ्रॉम द 4th सेंचुरी AD टू द 9th सेंचुरी AD द चोलास प्लेड ओनली मार्जिनल रोल इन हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, पर बाद में ये एक बार फिर से प्रोमिनेंट होंगे, वो हम बाद में कर लेंगे। अब आती है बात चीरास की। द चीरास और द केरलास गवर्न मोस्टली ओवर केरला एंड पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु लोकेटेड ऑन द वेस्ट एंड द नॉर्थ ऑफ पांड्या किंगडम। द एरिया वॉज अ मिक्सचर ऑफ डाइवर्स इकोलॉजिकल जोन्स इंक्लूडिंग स्ट्रिप्स ऑफ लैंड बिटवीन हिल्स एंड फॉरेस्ट। देयर मेन सीट ऑफ पावर वॉज वंजी एंड टोंडी एंड मुसीरी वर देयर इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स। पावर वंजी सीट ऑफ पावर वॉज वंजी टोंडी एंड मुसीरी वर सी पोर्ट्स। चीरास रूलर्स यूज्ड पामलरा फ्लावर एज देयर गार्लैंड्स। अकॉर्डिंग टू द 1st सेंचुरी AD इंस्क्रिप्शन कॉल्ड पुगालूर इंस्क्रिप्शन देयर वर 3 generations ऑफ चीरा रूलर्स। अ तमिल पोएटिक वर्ड वर्क पेडिरुपट्टु ऑल्सो रिवील्ड इंफॉर्मेशन अबाउट सेवरल चीरा किंग्स। तो ऐसे ही ना इस बुक के नाम के साथ विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट चीरा किंग्स। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड जो जो चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं स्लाइड्स में वो आपके लिए प्री के डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकती हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रूलर्स ऑफ चीरा डायनेस्टी आर पेरुम सोरु उदन चिरतम। राइट, मैं तो ये नाम पूरी तरह से कई बार पढ़ भी नहीं पाता हूँ, और यहाँ पे ना मैं नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट्स को सिंपल ये समझाऊंगा भाई ये ना हमारा ओरल एग्जाम नहीं होना जहाँ पे हमें जाके ये पढ़ के सुनाने हैं। ठीक है, तो हमें तो सिर्फ ये नाम फेमिलियर होना इन नामों के साथ, दैट विल बी मोर देन सफिशियंट। मीना मलिक बेटा आप क्या कर रहे हो, हम क्या पढ़ रहे हो और आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, आर यू सीरियस? ये मैंने आपको क्या बोला है, पर्सनल डाउट्स जो लेने हैं वो आप मेरे से लोगे पर्सनली, अगर टॉपिक जो चल रहा है उसके रिलेटेड डाउट्स हैं वो यहां ले लो। अच्छा, बाकी इसके अलावा जो है निंदुम चिरत्तम एंड चिरन सिन गौतुवन ये इंपॉर्टेंट चिरा रूलर्स थे। इन द अर्ली क्रिश्चियन एरा चिरास वर अ प्रीडोमिनेंट चिरास वर एज प्रीडोमिनेंट एज द चोलास एंड द पांड्यास। चीरास ट्रेडेड विद द रोमन एम्पायर एंड द रोमन्स कैप टू रेजिमेंट्स एट मुजरीस सिमिलर विद कैंगोस टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट। राइट, दे ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड अ टेम्पल ऑफ ऑगस्टस इन द चीरा लैंड। दैट मीन्स चीरास के यहाँ चीरास और रोमन्स के बीच में इतना ज़्यादा ट्रेड है कि वहाँ पर उनको अपनी स्टेशन करनी पड़ती है फोर्सेज वगैरह, और वहाँ पर उन्होंने अपने रहने के साथ साथ अपने टेम्पल्स भी बनाए। द चीरास वर persistently in fight with Cholas and Pandyas. Although the Chiras killed the father of Chola ruler Karikala, the Chira king also lost his life in the process too. The Cholas and the Chiras became allies for a temporary period and established matrimonial alliance. अब ये भी पूछा जा सकता है चीरा चोला पांड्या में से matrimonial alliance किन के बीच में हुआ। Later the Chira king unified with the Pandyas against Cholas, but the Cholas defeated the alliance. And as a result, it is said that the Chira king committed suicide out of embarrassment after being wounded in the back. विशाल शर्मा जी, आप मेरे को ना प्लीज एक बार मेरे नंबर पे टेक्स्ट करना, मैं आपको इसके बारे में सारा समझा दूंगा। और ऐसा मत करो यार, जब हम GS पढ़ रहे हैं और एक पर्टिकुलर टॉपिक कर रहे हैं आप उसी की बात कर लो मेरे साथ। चलो अगला, अकॉर्डिंग टू चीरा पोएट्स चिरन सिन गौतवन को रेड चीरा या गुड चीरा बोला जाता है। ही इज कंसिडर टू बी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द किंग्स ऑफ चीरा डायनेस्टी। हिज मिशन टू द हिमालयस वाज रिमार्केबल एज ही डिफीटेड मैनी नॉर्थ इंडियन किंग्स इन द प्रोसेस। अब ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से संगम किंग के बारे में इट इज बिलीव दैट ही डिफीटेड नॉर्थ इंडियन किंग्स। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस पत्नी कल्ट और वर्शिप ऑफ कंगई एज द आइडियल वाइफ ऑफ तमिलनाडु एंड ऑल्सो ब्रॉट स्टोन फ्रॉम हिज हिमालयन एक्सपीडिशन फॉर मेकिंग द आइडल ऑफ कंगई। बाकी ये आगे मैं पूरा आपको पढ़ाऊंगा। पांड्यास, पांड्या रूल कंट्रोल रूलर्स जो होंगे कंट्रोल साउथ एंड साउथ ईस्ट पोर्शन ऑफ इंडियन पेनिनसुला विद इट्स कैपिटल एट मदुरई। पांड्यास वर द वर फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय ग्रीक मेगास्थनीस हु रिकॉर्डेड दैट पांड्या वाज रूल वाज फेमस फॉर पर्ल्स। एंड साथ में वो ये भी बताते हैं दैट पांड्यास वर रूल्ड बाय विमेन। द पांड्या किंगडम वॉज रिच वेल्दी एंड प्रॉस्परस एज दे एंजॉयड हेल्दी ट्रेड विद रोमन एम्पायर। दे इवन हैड कॉन्सुलेट्स टू द रोमन एम्परर ऑगस्टस। द ब्राह्मण्स एंजॉयड एप्रिशिएबल स्टेटस इन द पांड्या रूलर्स प्रैक्टिस वैदिक सेक्रीफाइसेस इन द अर्ली सेंचुरीज ऑफ क्रिश्चियन एरास।
Now before moving on to next topic, एक आपसे simple question, let's see how many of you can give answer to it. चीरा चोला पांड्या की जो royal symbols हैं, वो आप बताओ. What were the royal symbols of Chira, Chola and Pandyas? I am waiting. Chira, Chola, Pandyas ke royal emblems. चलो मैं ऑप्शन देता हूं, तुम उसके साथ बता दो. बो एंड एरो ये किसका था? बो एंड एरो, तीर कमान, बो एंड एरो. नेहा, बो एंड एरो था किसका बेटा? ओके. और फिश पांड्या का राध्या ने बता दिया, और टाइगर चोला का. ग्रेट. अब आती है बात सोशो इकोनॉमिक स्टेटस. तमिल लिटरेचर मदुरै कंजी रिटन बाय मुदगु मुथुरथन डिस्क्राइब द सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ पांड्या रूल ड्यूरिंग द संगम एरा. पांड्या रूल स्टार्टेड डिक्लाइनिंग आफ्टर कालाभार्स इन्वेडेड पांड्यास. अब ये कितना इंपॉर्टेंट एक छोटा सा फैक्ट है कि पांड्या को कालाभार्स ने हराया. ऑल द अबव डिस्कस थ्री किंगडम्स दो फॉट विद ईच अदर. अच्छा आई एम सॉरी, पहले दे वर वेल्दी किंगडम्स ऑन अकाउंट ऑफ देयर नेचुरल रिसोर्सेज एंड फॉरन ट्रेड. दे ग्रू स्पाइसिस, देयर एलिफेंट सप्लाइड आइवरी, देयर सी माइंस यील्डेड प्रेशियस स्टोन्स एंड दे प्रोक्योर्ड सिल्क एंड मसलिन विच ऑल वर ऑफ ग्रेट डिमांड इन द वेस्ट. तो ना बेसिकली चीरा चोला पांड्या जो थे ये चाइना या ईस्टर्न साइड से सामान लेते थे और वो वेस्टर्न साइड को बेच देते थे. बीच में मिडलमैन थे और यहाँ से इनको प्रॉस्पेरिटी मिलती है. The Tamils traded with the Greeks or Egypt on the one side and the Malaya Peninsula and China on the other. As a result of trade, the words for ginger, rice, cinnamon and several other articles in Greek language was extracted from Tamil language. Sangam administration. The Sangam polity was one of the earliest administrative formations of peninsular India. This age period saw hereditary monarchy as the popular form of government. Simple question आ सकता है कि संगम एज में कौन सा सिस्टम चलता था? Hereditary monarchy. The king was the central character and embodiment of administration. He was also called Ko, Manan, Vedan, Koravan or Irayavan. Though hereditary ruler was the prevailing form of government, disputed succession and civil conflicts were not unknown. The court of the crown ruler was called away. The ideal of the conqueror Vijigushu was accepted and acted on. Away or the king's sabha was visited by a number of chiefs and officials. The ruler was served by a large number of officials who were divided into five councils. They were ministers, amateur, military commander, senapati, priest, anthanar, spies, orar, and envoys, thuthar. Sabha and Petayena. चीरा की कैपिटल मैंने पीछे दिखाई थी, अब जाके आप रिवाइंड करके देख लेना. सभा एंड मंदरम वर द कन्वेंशंस दैट परफॉर्म द जुडिशियल एंड अदर मिसलेनियस फंक्शंस. तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अगर आपने इतने फैक्ट्स भी याद कर दिए, दिस विल बी मोर देन सफिशिएंट. जो मैं आज आपको करा रहा हूँ संगम एज के लिए, इसमें तमिलनाडु की टेक्स्ट बुक भी इंक्लूडेड है, तो आपको इसके अलावा और ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सिलपदिगरम रेफर्स टू टू टाइप्स ऑफ काउंसिल्स, एनप्रियम एंड Emperor Kulu, in which the Emperor or the Council of five members was the Council of Ministers, while the Emperium or the Great Assembly consisted of eight government officers. अब इस पे ये भी आ सकता है, which was more important या which had more members. Both of these assemblies functioned as administrative bodies. Though their function was generally advisory in nature, their advice were rarely rejected by the king. Provincial and local administration. The whole kingdom was called Mandalam. And the Chola Mandalam, the Pandya Mandalam and the Chira Mandalam were the original major Mandalams.
Under the Mandalam was a major division called Nadu, that is province. The Ur was a town which was described as a big village Parar, a small village Sirur, or an old village Mudrur. The coastal town was called Patinam and Purvas was the harbor areas. The administration of the Nadu was in general carried on by hereditary chiefs. The village was the fundamental unit of administration, mainly administered by local assemblies called Manrams. During this age, the military administration was also efficiently organized. Each monarch had a regular army and their respective kodimaranam, tutelary tree. The leaders of the army were conferred with the title Enadi commander by the chief at a formal ceremony. Sangam revenue system ki agar hum baat karein, land revenue was the chief source of state's income, while custom duty was also levied on foreign trade. Booty captured in wars also formed a major income of royal treasury. The custom officials employed in the seaport of Puhar were described in Patna Pallai. Ye bhi ab important fact ho gaya. The post-Sangam work, Kural by Thiruvular, states that the king's treasury should be supplied through various sources of income such as land revenue, customs and through annexations, means through wars. Sangam economy mein, the Tamil literature, Madurune Kanjai, states that agriculture and trade were the main sources of economic development. The primary source of revenue for state was agriculture, and cattle was also considered important by Sangam people. The importance is enlarged by Sangam poems, which often talks about milk and milk products such as butter, curd, ghee and buttermilk. To protect the cattle of his kingdom was one of the primary duties of the king. Two most important crops that were cultivated were paddy and sugarcane. Ab ye pre ke liye bahut important. Other crops and fruits cultivated includes gram, beans, cotton and roots like valai, a kind of sweet potato, mango, coconut, pepper, saffron and turmeric. The Sangam handicrafts like metalworks, carpentry, weaving and making of ornaments using stones, ivories and beads were extremely popular. In Western world, there was a great demand for cotton cloth, woven at Uriur. Barter system was mostly used for internal trading, and domestic as well as international trade was well organized. Many Sangam literature, Roman and Greek accounts and the archaeological evidences supplied detailed information on this subject. Small chieftains also played an important role in Sangam period. These chieftains were able to go on the surplus derived from the trading and agricultural activities in the region. This resource contribution helped the Muvantar, the three crowned kings, the Cholas of Uriyar, Chiras of Vanji and Pandyas of Madurai. Afrahim Imam, I hope ab aapko answer dobara mil gaya, to consolidate their power. अब लास्ट आज का जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, संगम सोसाइटी जो है, तोलका पीएम ने फाइव फोल्ड कैटेगरीज ऑफ लैंड बताई थी, कुरिंजी, मुलई, मरुदम, निथाल एंड पल्लई. द पीपल इनहैबिटेड दीज एरियाज, दीज फाइव डिविजन हैड देयर रिस्पेक्टिव चीफ ऑक्यूपेशन एज वेल एज गॉड्स फॉर वर्शिप. ये मैच द फॉलोइंग में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है. टाइप ऑफ लैंड में कुरिंजी जो है वो हिली है, वहाँ के लोग यूजली हंटिंग करते हैं और हनी कलेक्शन का काम करते हैं, और उनके मेन गॉड है मुर्गन. जो मुलई रीजन है वो पेस्टोरल रीजन था, जहाँ पे कैटल रेयरिंग एंड डीलिंग विद डेयरी प्रोडक्ट्स था. मयोन विष्णु वहाँ के मेन गॉड थे. मरुदम वाज द एग्रीकल्चरल लैंड, जहाँ पे ऑब्वियसली एग्रीकल्चर होता था, और इंद्र वहाँ के गॉड थे. नेथल वाज द कोस्टल लैंड, जहाँ पे फिशिंग एंड सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम ज़्यादा था, वहाँ के गॉड वरुणम थे. और पल्लई वाज द डेजर्ट लैंड, जहाँ पे ज़्यादातर लोग जो थे वो रॉबरी का काम करते थे, और कोटरवई वहाँ के मेन गॉड थे. Tolka PM also mentioned four castes, namely Arasar, Anthar, Vangyar and Vellar, and these all castes have their respective occupations. जैसे कि Arasar जो है वो ruling class है, Anthars जो है वो संगम role in संगम polity and religion में play करते हैं, Vangyars जो है trade and commerce करते हैं, और Vellars agriculturalist हैं. Some other tribal groups like Pannar, Ainyar, Prathwar, Marawar and Pulayar were also mentioned in संगम society. रिलीजन से मैं कल कराऊंगा. अब डाउट्स हैं कोई, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो, अदरवाइज इसका लिंक भी साथ में एम्बेड किया हुआ है, वो आपको मिल जाएगा. और फिर इस टॉपिक के ख़त्म होने पे हम लोग क्या करेंगे, एक टेस्ट करेंगे संगम एज पे.
सिर्फ संगम एज पे आपका एक टेस्ट लूंगा मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। अब अगर किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। बाकी जो 2020 एस्पिरेंट्स हैं वो जो हमारा आज से एक नया प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है उसको जरूर फॉलो करना, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। चलो अब जिसको भी मेरे से कोई पर्सनल डाउट लेना है वो मेरे को टेक्स्ट या कॉल कर सकता है आफ्टर 10-15 मिनट्स। डन, टेक्स्ट कर सकता, कॉल नहीं, आई एम सॉरी। टेस्ट बेटा मैं लूंगा 2 दिन के बाद। हाँ मुकुल कुमार, ये देखो अभी आपको वैसे दिखा देता हूँ। रिलीजन, पोजिशन ऑफ वीमेन, बिगिनिंग ऑफ ब्राह्मणिज्म, संगम लिटरेचर, तमिल एपिक, संगम आर्ट, मेन फैक्ट्स अबाउट संगम एज, अभी ये पढ़ा हुआ है जो मैं अगली क्लास में कराऊंगा। और आराध्या जी, टेस्ट सबके लिए ओपन होगा, सबके लिए, जो लोग पढ़ रहे हैं उन सबके साथ। साहिल, वो दूसरी भी मैं अटैच करवा देता हूँ, डोंट वरी, अभी करवा देता हूँ। डन, चलो बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं दोनों क्लासेस के साथ। अनलेस कि आप लोगों का मुझे कोई ऐसा मैसेज ना आ जाए कि एक ही क्लास कराओ।